أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الماسومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين लाह मैं मुसलसल आखरात के सामने श्रल्फ़ की आयत नंबर दस की तिलावत करता चला आ रहा हूँ और इस आय करीमा केल में मैंने अपने का कानवान रखा बैत और विलायत और अपनी बसात के मुताबिक जितना हो सकता था मैंने बयान किया और बहुत कुछ रह भी गया और अब भी ज़रूरत है कि इस ज़िमन में गुफ्तु की जाए आज इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है इसमें थोड़ा बहुत मैं कहीं हुई बातों का अख्तसार के साथ उसको याद दिलाऊंगा और थोड़ी सी और बात कहूंगा और ज़िक्र हसैन असलम के सदक़े में फिर कभी मौका हुआ तो ये येवान ऐसा है जिस जिसवान पर और गुफ्तु होनी चाहिए असल में जब लोगों के दरमियान में रह कर के गुफ्तु होती है तो बहुत सारे लोगों के जहन में कुछ बात आती है कुछ कहते हैं कुछ सवाल करते हैं कुछ तनकीद भी करते हैं जो होनी चाहिए तो उससे और रुख पैदा होता है बात कही जाती है इस साल आ, ये मौका नहीं मिल सका कि साम के हल्के में रह कर के जिक्र किया जाए दूर से तन्हाई में अकेले में गुफ्तु गुफ की जा रही है लेकिन फिर भी दिल मतम है कि हम दिकर हुसैन कर रहे हैं और दिकर हुसैन सुन रहे हैं अजा हो रही है हम अजा मना रहे हैं और जहाँ कहीं भी बैठे हैं हमें यकीन है कि यकीन मादर हुसैन भी यहाँ आई हुई हैं और हमें यकीन है कि फ़र्श अदा के नाम से जहाँ भी फ़र्श लगा दिया जाता है उस फर्श की जीनत फ़रिश्ते होते हैं इसीलिए दिखरे हुसैन हो रहा है उस फर्श को पर कोई आए ना आए फरिश्ते ज़रूर आकर के बैठते हैं नूरानी अजसाद बहरहाल आते हैं और बहरहाल मासूमी अलसात असलम के आने को मना नहीं किया जा सकता कि वो नहीं आते हैं और ख़ुद हुसैन की माँ बहरहाल होती हैं तस्किन होता होती है हमको कि हमने अपने घर में हमने तनहाई में हमने अकेले में कम से कम अपने घर ही में ज़िक्र सुन रहे हैं और कहीं कोई लफ्ज़ अपने दिल को लग जाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और अगर किसी का बयान किया हुआ लफ्ज़ नहीं लगता है तो खुद ही मैं सलाम या है या किसी पुराने ज़िक्र को याद करके इमाम हुसैन पर रो लेता हूँ और यकीनन ये तस्किन के जरिया होता है इसलिए किसी को शिकवा नहीं होना चाहिए है कि हम अजा नहीं कर सके चाहे जैसे भी हम अजा करें ये तो तय है कि अजा का जो हक है वो हक हम अदा नहीं कर सकते बस जैसे जैसे मौक़ा मिलता जाता है शुक्र खुदा करते हैं कि हमें मौक़ा मिला और हमने दुआए जहरा की ताबीर बन करके कुछ न कुछ किया है कि हमने औलाद जहरा के हक़ में कुछ जिक्र किया या सुना या थोड़ा सा मातम कर लिया है यह तस्किन का बड़ा जरिया होता है अजीज़ों मैं अपनी बातों को जो कुछ कहा है बैत और विलायत कोनवान से ख़ुलासा यही है कि बैत सिर्फ़ इनकार करने ही के लिए नहीं होती है बल्कि ज़रूरत असल में बैत करने की है लेकिन बेत के लिए जिसके हाथ पर बैत की जाए उसको पहचानना चाहिए कि वह हाथ अल्लाह का हाथ कहा जाए अल्लाह की तरफ़ से मंतखब हाथ हो जिस हाथ में हाथ दे देने के बाद जो है इतमान हो जाता है कि ये कयामत तक महशर तक बल्कि जन्नत तक सहारा बना रहेगा और उस सहारे से हम वहाँ तक पहुँच जाएँगे ऐसे हाथ का तलाश करना ज़रूरी है और अगर ऐसा हाथ मिल जाए तो आदमी उस हाथ में हाथ दे करके उसकी विलायत को कबूल कर लेता है और विलायत के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता इसलिए ये गुफ्तु भी की जा सकती है और है हकीकत में कि मकसद करबला क्या थे मकसद करबला के लिए अगर कहा जाए कि मकसद करबला दीन का बचाना था यकीन दीन का बचाना था लेकिन शर्त दीन और तकमील दीन क्या है वलायत वलायत के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता है इसलिए ये कहा जाए कि असल में करबला विलायत को बचाने के लिए था वरना कहने के तो सारे मुसलमान थे मगर ये जानने वाले नहीं थे कि मुसलमान होने के लिए शर्त यह है कि वलायत हो बगैर वलायत के मुस्लिम भी नहीं हो सकता आदमी ख़याल में तो हो सकता है कि हमने ला, ला मोहम्मद रसोल्ला पढ़ लिया है तो मुसलमान है लेकिन आठवें इमाम ने बहरहाल ये बात कही है कि कलमा ला, ला ला मजबूत कला ज़रूर है मगर शर्त एक शर्त के साथ और हम उनके शरात में से एक शर्त हैं यानी अहल बैत का शर्त होना इस बात की दलील जब तक हम उनकी विलायत को कबूल नहीं करेंगे खुद कलमा भी लफ्ज़ बन जाएगा हकीक़त नहीं रहेगा लफ्ज़ों के दोहराने का नाम कलमा नहीं होता है आ, मसलन अगर जो हकीकत है सच्चाई है कि मुसलमान की तारीफ़ तो यही है मुसलमान की तारीफ़ तो ये कि मन मनकाल्ला महमदर रसोल्लम फो मुसलिम वो मुसलमान है लेकिन हकीक़त इस्लाम विलायत है विलायत के बग़ैर जो है इस्लाम इस्लाम नहीं है वो लफ्स है और कहने के लिए है कि भाई ये कलमा पढ़ लेते हैं लेकिन शर्त कलमा जब तक ना हो उस वक्त तब कलमे की हकीकत कैसे बन सकती है बन ही नहीं सकती है जैसे किसी चीज़ की कोई शर्त लगा दी जाए तो उस शर्त के बग़ैर वो चीज़ तस्लीम नहीं की जाएगी मैंने अभी इससे पहले वाली मछली में ज़िक्र किया था कि नमाज की शर्त वज़ू है अब अगर कोई शख्स जो है नमाज पढ़े मगर बगैर वज़ू के पढ़े तो क्या नमाज हो जाएगी भाई नमाज नहीं हुई हालांकि आदमी वजू करके नमाज पढ़ेगा तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ेगा जैसे बेला वजू किए हुए आदमी ने नमाज पढ़ी के दौरे कत नमाज उसमें जितनी भी चीज़ें सब कुछ अदा की मगर जो शर्त है उसने वजू नहीं किया तो हर मुसलमान कहेगा फिर की क़ैद के बगैर हर मुसलमान ये बात कहेगा कि नमाज नहीं हुई इसने वजू ही नहीं किया लेकिन कोई भी मुसलमान ये नहीं कहेगा कि वजू नमाज का हिस्सा है नमाज का हिस्सा नहीं है नमाज के शर्त है ऐसे ही विलायत शर्त दीन है शर्त इस्लाम है जब तक आदमी विलायत के मातहत नहीं होगा वलायत को कबूल नहीं करेगा उस वक्त उसका दीन उसका इस्लाम कोई माना नहीं रखता है बगैर वलायत के मैं इन इस सिलसिले में चंद अकवाल भी पढ़ूँगा और ख़ूसियत के साथ आपको पता है इनशा पता होगा और इनशा इनशा तमाम जितने ममिन हैं वो रोज़ दिर इनशाला व रोज़े की ज़्यारत ज़रूर पढ़ते होंगे लेकिन अक्सर वेशतर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं पढ़ा या पढ़ा तो सिर्फ़ पढ़ लिया मतवज नहीं हुए कि हमने ज़ियारत में क्या पढ़ा है इस ज़ीरत में क्या कहा गया है बड़ी ताक़द है गदीर के दिन की ज़ियारत का पढ़ना और उस जीारत का दूसरा नाम ज़्यारत अमीन अल्लाह भी है उसमें किस किस तरह के जुमले हैं मैं इन शाह उन जुमलों को पढ़ूँगा और फिर जो मैं बात कहना चाहता हूँ वही मेरी दलील होगी कि बग़ैर वलायत के दीन नहीं है या कम से कम वो दीन तो नहीं है जिस दीन को अल्लाह ने वलायत अली पर मुकम्मल किया है या कम से कम वो दीन तो नहीं है जिस दीन को अल्लाह ने कामिल करके अपनी रज़ा का ऐलान कर दिया था कि मैं राज़ी हूँ इस दीन से तो जिस दीन से अल्लाह राज़ी है उसी दीन को दीन मुर्तदा कहा जाता है और जब दीन दीन मुर्तदा है तो वलायत मुत भी होना ज़रूरी है उसके बग़ैर दिन मुतद हासिल नहीं हो सकता है अजीज इसलिए मैं उस सिलसिले में कहने से पहले आज आ, इसको इब्तारी तौर पर कहता चलूँ कि पूरी करबला और कयामत तक जो हम अदादारी करते रहेंगे उस मकसद को समझना चाहिए कि ईमान हुसैन सलाम ने विलायत को बचाने के लिए और उस वलायत को बचाने के लिए फिर वही कहीं हुई बात बा, कही को एक मरतबा तकरार करूँ लफ्जें बदल करके किमाम हुसैन ने जो ये कहा था कि ला यो बा मिथलहू मुझ जैसा इस जैसे की बेत नहीं कर सकता मेरे जैसे का हाथ उस जैसे के हाथ में नहीं आ सकता है यानी बताना चाहते हैं कि हाथ देने के लिए जिस हाथ में हाथ दिया जा रहा है उस हाथ को कैसा होना चाहिए इसलिए कि हाथ दे देने का मतलब कि मैंने उसकी विलायत को कबूल कर लिया है और विलायत को जब कबूल किया तो कैसे की विलायत मैंने कबूल किया अगर ऐसे की जैसा मुझसे इस वक्त बत तलब करा उसकी तल, वत हमने कर ली या कबूल कर ली विलायत को तो कम से कम वो दिन तो नहीं मिलेगा जिसे दीन मुर्तदा कहा जाए या कम से कम वो दिन तो नहीं मिलेगा जिस दीन को अल्लाह ने जिस वलायत पर मुकम्मल किया था वो दीन नहीं मिलेगा इसलिए करबला हमें पहचानने का मौका देती है करबला हमें दावत फिक्र देती है कि करबला वलायत के बचाने का नाम है बचाने का नाम है इसलिए कि उस वक्त तक जो भी उस तख्त पर आ जाता था हम उसको ख़लीफतलमसलमान मानते थे दुनिया उसको खलीफतलमसलमान मानते थे और उसके बग़ैर जैसे अपने दीन को मुकम्मल ही नहीं समझती थी जबकि उनका हक नहीं है उनका हक़ नहीं है जिस जिनको सर, जनाब रसालत आप ने अल्लाह के हुक्म से पहचानवाया था और लोग उसको भूल गए गदीर को याद नहीं किया भूल गए और याद नहीं रखा इमाम हुसैन सलाम ने उस तख्त को खलीफा के कदमों से खींच लिया ताकि उसके बाद इंसान जो है फ़र्क करे कि खिलाफत क्या है और मलूकियत क्या है किस चीज़ को विलायत कहा जाता है और बादशाहत किस चीज़ को कहा जाता है अगरचि इंसान अपनी तस्किन के लिए लफ्ज़ें बदल ली हैं कि दुनिया की हुकूमत के लिए खिलाफत है और दीन की हुकूमत के लिए वलायत है अरे अगर रसूल के ज़माने में ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती तो आप अलग अलग कर लेते करते कि भाई रसुल्ला के ज़माने में भी दीन की हुकूमत रसुल्ला के हाथ में थी और यह ज़ाहरी जो हुकूमत थी वो फ़लाँ और फ़लाँ ये फ़लाँ के हाथ में थी नहीं रसूली ही ने सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने हुकूमत भी की है और विलायत भी की है यानी वही दीन और दुनिया दोनों चला रहे हैं इसलिए उसका नायब भी ऐसा होना चाहिए जिसके हाथ में दुनिया की निज़ाम भी हो और दीन के एतबार से इस दुनिया से आखरत तक ले जाने वाले का ले जाने वाला निज़ाम भी उन्हीं के हाथ में हो वलायत तो इसी को कहा जाता है अलबत्त मैं चाह रहा था कि आज थोड़ी सी गुफ्तगु आगे बढ़ करके भी कहूँगा कि बसा अवात कुछ नए लफ्ज़ लगते हैं कि नए लफ्ज़ हैं और ये क्यों ऐसा कहा जाता है उससे मतलब भी वजाहत करूँ लेकिन शायद इतना मौका नहीं मिलेगा मगर इतनी बात तो ज़रूर कहूँगा कि सोचने का मौक़ा मिले जैसे कि मैंने वलायत के सिलसिले में कहा था कि वलायत की इब्ताई तौर पर दो किस्में हैं एक वलायत तश्रही और एक वलायत तकवीनी कि वो विलायत जो शरीयत की तरफ़ से दी हुई होती है और वो विलायत जो मखलूक़ात पर वली को तमाम मखलूक़ात पर वली को हा, हासिल होती है कि जिसको जिस, जिस नीयत जिस से इशारा इरादे से इशारा कर दे वह ताब हो जाए वो उसकी एतात में आ जाए वलायत तकवी भी होती है और इस ज़माने में हम एक लफ़्स वलायत का बोलते हैं मसलन विलायत फ़कीर तो इसका मतलब क्या है यह क्या वलायत अहल बैत के मुकाबले में है नहीं क़त नहीं, नहीं, नहीं मुकाबले की कोई चीज़ नहीं है यकीन ये एक मौजू है अगर वलायत फ़कीह पर एक हमसाई अशरा किया जाए तो मुझ जैसा आ, कम पढ़ा लिखा भी इन शकरीर कर सकता है मैं खाली इतनी ही बात कहूँगा कि फ़कीह की वलायत का मतलब क्या है आज जिस ज़माने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं वक्त का इमाम सामने नहीं है परद गैब में है अब जब परदे गैब में हो तो दीन के अहकाम को हम कैसे जानेंगे उसकी हकीक़त को क्या फिर सभी लोग को लाजिम हो जाएगा कि वो जाकर के इल्म दीन हासिल करें मौलाना बने सभी मौलाना हो जाए ताकि दीन को जाने या ये कि नहीं सब पर फरीजा नहीं है मौलाना होना दीन का हासिल करना किसान करके पूरे के पूरे दीन को मेहनत करके हासिल करें और फ्रवाद को जाने भी वसूल को भी जाने भी और उसके सारी जुसियात को जाने मुतमिन अकेला अपनी जगह ताकि हम कहें कि भाई ये सब हर चीज़ को दीन की सारी बातों को जानता है अल्लाह तबारक ताली ने क़ुरान में ये बात कही है कि तुम में से कुछ लोगों को चाहिए कि वो दीन के लिए जाएं और जब वो पलट करके आएं तो दूसरों को दीन बताएँ दूसरों को बताएं यानी सब पर वाजिब नहीं है फरीजा बल्कि कुछ लोगों पर फरीजा होता है कि वो जाएँ और दीन को हासिल करें मगर जो दीन को हासिल कर लिया उनका फरीज़ा है कि जो नहीं जानते हैं उनको बताएँ और जो नहीं जानते हैं जाने हुए से राबता करके जाने कि आप बताएं अब खुद पढ़ने की अपनी जगह जो है ज़रूरत नहीं पढ़े हुए से मालूम करना ज़रूरत होती है तो वलायत फ़कीह का मतलब यही होता है जो दीन का सबसे ज़्यादा जानने वाला हो इमाम की गैबत के ज़माने में कुरान के अहकाम और जितने दीनी अहकाम हैं क्याल रहेंगे उस पर कोई चूंकि इमाम सामने नहीं है।, है किसी से कोई ताल्लुक नहीं या ये कि मत्ल नहीं रहेंगे उसका हमसे ताल्लुक है वो नाफिज रहेगा अहकाम कुरान और दीन जो है नाफिज अमल रहेंगे तो कौन कराएगा कौन कराएगा उसको कहते हैं कि जो दीन फ़कीह यानी इंतहाई दीन का जानने वाला हो उसकी वलायत होनी चाहिए है मैं अगर मुतमइन हो गया कि दीन को बेहतर तरीके से जानता इसीलिए शर्त है आलम होने का फकीह के लिए आलम आलम नहीं आलम होना आलम और आलम में फर्क है जो जाने थोड़ा भी जाने कुछ थोड़े से ज्यादा जाने वो आलिम होता है और तमाम आलिमों में जो सबसे ज्यादा जानने वाला होता है वो आलम होता है हाँ अफराद के अतबार से आलम अलग अलग हो सकते हैं जैसे अफराद के अतबार से अच्छा खतीब अलग अलग हो सकता है कुछ कहते हैं नहीं सबसे अच्छा खतीब वो है सबसे अच्छा ज़ाकिर वो है सबसे अच्छा बोलने वाला वो है मालूम है कि है। चंद अफरा वो हैं जो फलाओं को सबसे अच्छा मानते हैं चंद अफराद वो हैं जो फलाओं को सबसे अच्छा मानते हैं यकीनन जो लोग भी अच्छा मानते हैं उनके सामने कोई न कोई मैार है जिस मेार पर दूसरे को दूसरे के मुकाबले में अच्छा मानते हैं ऐसे ही आलमीत अफराद अपने एल्म से या अपने सामने जो लोग आलिम हैं और जिनको मैं आलिम जानता हूँ उनसे पूछ करके के हो गया कि फ़ला आलम है तो जिसके आलम होने का यकीन हो जाए उसी के मातहत होना चाहिए उसी की बताई हुई चीज़ों पर अमल करना चाहिए इसलिए कि मैं नहीं जानता हूँ जब नहीं जानता हूँ तो मैं उसको जानने की जो जान रहा है उससे जानने की कोशिश करूंगा इसी को तकलीद कहा जाता है दुनिया के सारे इल्म में यही चीज होती है अगर मैं अपने मामला के लिए किसी को वकील बनाना चाहता हूं तो जिस पर मैं मुतमिन रहूंगा खुद एतबार से या जिन लोगों ने बताया कि वो काबिल इतमान है अपने फन के एतबार से मैं उसको तस्लीम कर लूंगा अजीज़ो इसी को तकलीद कहा था दीन के मामले में उससे ऐसे ही आलम ऐसे ही दीन के जानने वाले आ, की तरफ रजू होया क्यों उसकी वलायत होती है अगर अल्लाह ने उसको मौका दिया कि वो दीन के अहकाम को नाफि करने के लिए हुकूमत बना सके और हुकूमत बना करके दीन का नफाज कायम कर सके नाफिज कर सके तो हम कहेंगे वलायत उस फ की वलायत और हुकुमत. है मौजूद उसमें अफराध पाए जाते हैं मैंने कहा न कि अगर इस सिलसिले पढ़ाया तो इब्तदाई तौर पर मुझ जैसा आदमी भी एक खमसा तो इतमान से पढ़ सकता हूँ कहा जा सकता है लेकिन खाली इससे मानूस होने के लिए मैंने जिक्र किया है लेकिन वलायत फकीह का मतलब ये कि उनके ज़रिए से चूँकि मैंने दीन को नहीं जाना उन्हीं ने मेहनत की है तो उस मेहनत की बुनियाद पर जो अहैत सलाम ने दीन को हम तक पहुंचाया था उनकी वलायत में रहना है तो मैं बराहे रास्त नहीं जानता हूं जो जानता है उस तक जाकर के हम वलायत बैत में पहुंच रहे हैं रास्ता हमारे जमाने में यही है अगर यह ना होते तो उन हकायक तक हम ना पहुंचते अलबत् जरा सा खुश्क बात है मगर सुन लीजिएगा और शायद ये आ, इस वजह से भी कि सामने लोग नहीं हैं वरना जब सामने होते हैं तो पढ़ बोलने वाला भी कोशिश ये करता कि मैं इस तरीके से पढ़ूं कि लोग तारीफ करें नारे लग जाएं और सामने भी नहीं है तो कुछ बातें पहुंचाई भी जा सकती हैं तो एक थोड़ा सा आ, इलमी गुफ्तु अगरच मैं बड़ा आलिम नहीं हूँ लेकिन अंदाज़ थोड़ा सा है उसके लिए पहुँचाने की शेयर कोशिश करूँगा कि आदमी सोचने लगता है कि फिर कैसे हम भाई वलायत फ़कीर को अरे देखिए कि वही जो फ़कह हैं वही जो अल्मा उनके यहाँ इख्तलाफ़ पाया जाता है क्या आईमा आलम सौ के यहाँ इख्तलाफ़ था इन फ़कीहों कहते हैं इख्तलाफ़ पाया जाता है इनका फ़लाने मुस्क कहा है फ़लाने मसल भाजीब कहा फलाने इस चीज़ कही है इख्तलाफ पाया था, इख्तलाफ क्यों है किस तरह से क्यों इनके यहाँ अख्तलाफ आया था अजीज इख्तलाफ नहीं है और यकीन ई मालसात असलम के यहाँ सोचे ही नहीं जा सकता कि इख्तलाफ हो वो तो पहला भी मोहम्मद है और आखिर भी मोहम्मद पहला अली है और आखिर भी मोहम्मद इसलिए है यहीं ठहर खाली कहूँ कि ये तो ने भी तहक़ीक करके ये बात लिख दी है यहदीस नहीं है रवायत नहीं है महरख एक जुमला है कि अल्स्लामो महम्मदी युल हदूस व हुसैनी बका इस्लाम अपनी आमद के अतबार से मुहम्मदी है और बका के अतबार से हुसैनी है कि इस्लाम को लाए हैं नबी करीम मगर बचाया है हुसैन ने लेकिन हम न इसको मोहम्मदी ख़ारी कहेंगे न सिर्फ़ी कहेंगे जब मौका मिले कहेंगे मोहम्मदी हम कहें हुसैनी और जब हम हुसैनी कहेंगे तब भी महम्मदी और जब मोहम्मदी कहेंगे तब हुसैनी है और जब मोहम्मदी और हुसैनी कहेंगे तब भी अलवी है जब अलवी कहें तो महम्मद और हुसैनी है इसलिए कि पहला भी मोहम्मद और आखिर भी मोहम्मद है सारे के सारे मोहम्मद हैं इख्तलाफ़ नहीं जरा सा सुनिएगा इसको और इन ये बात जहन में रह जाएगी तो आपके इतमान के लिए भी कहीं किस बात किसी से बात करने के लिए भी एक रास्ता सोचने का मिलेगा कि अख्तलाफा क्यों होते हैं अख्तिलाफ़ इसलिए होते हैं कि हमारी जबान में मैं अभी जैसे उर्दू बोल रहा हूँ मैं उर्दू की मिसाल दे करके बताऊंगा कि अख्तलाफा क्यों होते हैं क्यों हो जाएंगे ज़बान उर्दू की है मगर इलाका बटने की वजह से वही उर्दू का लफ्ज़ बोला जाता है एक शहर से दो शहर या बड़ा मुल्क है तो मुल्क के आधे हिस्से में पूरे मुल्क में उर्दू ही मगर किसी इलाके में उर्दू और वहाँ की इलाकई ज़बान ज़्यादा बोली जाती है लेकिन एक उर्दू का लफ्ज़ मंतकिल होकर के वहाँ पहुँचा तो उस वहाँ उसने एक अलग माना इख्तियार कर लिया और जब अलग माना इख्तियार कर लिया तो वहां जब बोली जाती है तो वो माना समझ में आता है और जब हम बोलते हैं तो हमारा माना समझ में आता है इसलिए दोनों जगह लफ्ज़ एक है और माना अलग अलग है मिसाल दो जैसे लफ्ज़ मन कहा जाए कि एक मन एक मन मन वजन का नाम है वजन एक मन ये कम से कम में हिंदुस्तान में अपने खाली यूपी जो एक स्टेट है उसके लिए भी मैं कहता हूँ कि इस पूरे स्टेट में एक माने में नहीं बोला जाता मशरक़ी यूपी में एक मन में चालीस शैर होते हैं लेकिन उसी यूपी के मगरबी हिस्से में चले जाएं तो एक मन में बिल्कुल इसका आधा होता है बीस शैर और यही लफ्ज़ एक मन बोला जाता है ईरान में भी बिल्कुल यही एक मन लेकिन ईरान में उस एक मन का माना तीन शैर होता है देखिए तीन जगहों पर एक लफ्ज़ बोला जाता है मगर तीनों के यहाँ मन का माना बिल्कुल अलग अलग और कितना अलग अलग है चालीस और तीन की नस्बत क्या होगी चालीस और बीस की नस्बत बिल्कुल आधे आधे की है अब अगर कोई शख्स जो है यूपी मशरक़ का रहने वाला कहे कि एक मन मैं आपको दूंगा एक मन मैं आपको दूंगा और उसकी कीमत बताए

लेकिन अगर ईरान का आदमी आ करके के मशरक़ी यूपी वाले से कहे कि एक मन इतने में तुम आदमी को तीन शेर की बात कर रहा उसकी कीमत भी कम होगी तो आदमी खुश हो जाएगा वाह 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 क्या कितनी सस्ती चीज़ है और ला जल्दी से पैसा दिया उसने तीन शेर वाले ले करके वापस दे दिया ये खुश होगा ये तो अपना माना समझे हुए था लड़ाई करेगा साहब हमारे हाथ भेज रहे हैं मैं यहाँ रहने वाला यहाँ तो एक मन में इतना होता है वह क्या है भाई आपके यहाँ कुछ होगा तो मेरे यहाँ तो ये यह होता है इतना होता है लड़ाई होगी कि नहीं होगी अब अगर इतनी बात समझ में आए कि एक ही लफ्ज़ तीन जगहों पर तीन मानी रखते हैं अरबी जबान में ऐसे बड़े अलफाज हैं बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं जिनके एक ही माना नहीं हैं मुख्तलिफ मानी हैं मुख्तलिफ मानी मसला इराक़ से एक आदमी आया और इमाम से गुफ्तु कर रहा है इमाम को पता है कि इराक़ में यह लफ्ज़ किस माने में बोला जा रहा है और इमाम ने उसी के माने में उस लफ्ज़ को बोला था लेकिन एक सुनने वाला मदीने का था उसने सुना और सुन करके अपना माना ले लिया उसको तशरीह करानी चाहिए थी कि मौला इसके माना क्या है आप मुझसे इतना कह रहे थे उसने तशरीह नहीं कराई सिर्फ जो है लफ्ज़ सुना और अपना माना जाकर सबको बयान करने लगा अख्तिलाफ होगा कि नहीं अख्तलाफ होगा जबकि इमाम उसको बयान कर रहे थे जो इराक़ से आया था वहाँ मसला वज़न के लिए रितल का लफ्ज़ बनाया था रितल पानी के वज़न को कहा जाता है वहाँ जितना वज़न है यकीन मदीने में के वजन में बहुत फ़र्क है बहुत फ़र्क है तो अब वहाँ के लिए बताया बयान किया जा रहा ऐसे ही अगर कोई रवायत किसी ने नकल की है सुन कर के कि मैंने मासूम से सुना है और उन्हीं ने एक रेत लिया है, ये वजन बयान किया है तो रवायत तो आ गई अब जब रवायत आए तो मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा जो मैंने एक मरतबा देखा था माना उसी माने में मैंने उसके करके करके किया माना है इसका मतलब कि इतना होना चाहिए मैंने गौर नहीं किया उसमें कि बयान करने वाला कौन है किस किस, किस बयान किया जिसने सुना है वह कहाँ का रहने वाला था जिससे सुना है वह कहाँ का रहने वाला था ये सारी तहकीक़ात होती हैं तब यह एक माने पर निकलता है और मुमकिन है कि हालात ऐसे भी हो जाएं कि मैं तहकीक़ में ख़ुद अपनी तहक़ीक़ में आ, किसी मंजिल पे पहुंचा कि यहाँ सुनने वाला यह था और बताने वाला यह था और ये वाला चीज़ था उसमें कहीं मेरी तहकीक़ की वजह से गलती रह गई हो गई तो उस गलती की वजह से कोई फ़र्क आ सकता है किसी की तहक़ीक़ और मेरी तहक़ीक़ में उस गलती से उस गलती के मगर मैंने अल्लाह कोशिश की कि सही माने तक पहुँचू नहीं पहुँच सका तो नहीं पहुंच सका लेकिन मैं खुद अपनी जगह मुतमैन हूं कि मैं पहुंच चुका हूं, तो मुझे भी अपने उस तहकीब पर अमल करना है और जो मुझे आलम मानते हैं वो भी उस पर अमल करेगा उसके लिए किफ़ायत करता है इसलिए कहीं कहीं जुजियात में जो है ये फ़र्क दिखाई देता है और यकीन जानिए मैं अगर एक बात कहूँ तो ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर मासूम के कौल को किसी शख़्स ने बराह रास्त सुना और बयान कर रहा है बीच में कोई वास्ता नहीं है तब भी उसके समझने में मुश्किल होती है इसलिए कि कभी इंसान मासूम के अल्फाज को बयान करता है कि ये लफ्ज़ मासूम ने कही हैं और कभी मासूम की बात से जो वो समझे है वो बयान करता है कि मासूम ने यह कही है के बाद जैसे मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ कोई आदमी बैठे बैठे सुन रहा है और कोई बात समझ में आए तो वह कहेगा कि मैंने मौलाना की मजलिस सुनी और वो ये कह रहे थे हालांकि अगर मेरा जो ये रिकॉर्ड है सुनेगा तो वो लफ्ज़ बिल्कुल नहीं मिलेंगे उसने अपने अ, मेरे बयान से खुद जो समझा था अपनी समझ को बयान कर रहा है कि ये उन्हीं ने बयान किया तो कभी इंसान खुद समझता है और समझने को बयान करता ये कह करके कि ये कहा गया तो वो भी तहक़ीक करनी होती है कि मासूम के इबारत को नकल कर रहा है कि अपनी समझ को नकल कर रहा है एक दूसरे ये कि अगर बीच में कोई वास्ता है तो मासूम ने जिससे कहा है उसके हालत इल्मी ख़ानदानी और अखलाक़ी कैसी है और फिर उस उसने जिससे कहा उसके तो जितने जितने बीच में वास्ते आते चले जाएंगे उतनी ही हमारी तहक़ीक का दायरा बढ़ता चला जाएगा अब जरा सा सोचें कि 1400 सौ बरस का ज़माना गुजरने के बाद खाली असूल काफ़ी में सोलह हज़ार रवायतें हैं और उस सोलह हज़ार रवायतों के कि रावी कितने हज़ार होंगे इतने हज़ार रावियों के हालात को पढ़ करके किसी एक जगह पहुँचने में अगर थोड़ी बहुत गलती होती है जो गलत उसको नहीं पता है कि गलती है वो तो अपनी जगह मुतमइन है खाली हम जब दो जगह देख रहे होते हैं कि इनके यहां यह और इनके यहां थोड़ा फर्क दिखाई दे रहा है तो मैं तो खुद पढ़ा लिखा नहीं उस सिलसिले का लेकिन मुझे खाली एतराज होने लगता है कि इसके यहां फर्क क्यों है ये ये कह रहे हैं उनके यहाँ ये क्यों कह रहे हैं आप उनकी जरा सा तहकीक को देखें अगर इन दोनों में मेरे नज़दीक जो आलम है वही मेरे लिए हुज्जत है इसलिए दूसरा गैर आलम है उसके मुकाबले में दूसरा जो है ज्यादा जानने वाला है तो मुझे यकीन हो जाएगा कि ये इसको इस पर अमल करना चाहिए अजीज व थोड़ी सी बात अलग से कह के गया ताकि वो विलायत फ़कीह भी थोड़ा सा समझ में जाए जाने ग्रामीण कहीं देर ना हो जाए इसलिए जल्दी से और आगे की बात कहते हुए कहूँगा कि मकसद करबला विलायत का बचाना था और हकीकत में इमाम हुसैन सलाम ने अपने पूरे घर को निसार करके विलायत को बचाया है विलायत को बचाया है और पहचानवाया है वरना उस वक्त तक जो है उस तख्त पर बैठ करके जो कुछ कह दिया जाता था वही कुरान का हुक्म होता था अगर मौका होता तो मैं आपको बताता कि उस ज़माने में ख़ाली बनी उमैया का दौर जो कि अस्सी साल से ज़्यादा का था उसमें इस क़दर गना मौसीकी वजूद में आए थे मौसीक़ी मौसीकियाँ इतनी वजूद में आ गई थी कि इस वहानी ने पूरी किताब लिखी है इस गना पर कि कितने गना की कस्में आ चुके थे लेकिन उसी तख्त से बात कही जा रही थी वो इस्लाम का हिस्सा बनती चली जा रही थी इस्लाम का हिस्सा जो चीज़ें जहाँ थी वहाँ से न जाने कितनी चीज़ें हटा करके चूँकि जो उस तख्त पर बैठा हुआ है वही दीन समझा जाता था इमाम हुसैन सलाम ने कम से कम उसको खींच लिया कि नहीं एक अलग चीज़ है ये एक अलग चीज़ है वो जो कह रहा अपनी तरफ से कह रहा इस तरीके से विलायत को बचाया और दावत दे दी दावत दे दी कि वली को और विलायत को पहचाना जाए और इस सिलसिले में जनाब जैनब सलाम साम ने किस क़दर मेहनत की है किस कदर मेहनत की है और जनाब हजरत सईद सज्जाद ने इस सिलसिले में अड़तीस साल का जमाना गुजार करके उस अड़तीस साल में शहीफे सजा जो हमारे घरों में मौजूद है वो शहीफे सजा अगर आप पढ़ें खुदा की कसम ये इलमी खजाना और लबो लहजा दुआ का कर देख करके आप देखें कि इमाम ने किस तरीके से तबलीग की है वलायत की कि अब अगर आप दुआओं को पढ़ें तो दुआओं में हर दुआ के जुमले के बाद यानी अक्सर दुआएं वो हैं कि हर दुआ जुमले के बाद

बल्कि मैं लफ्ज़ कहता हूँ और इसको भी सुन लें कहीं तो आ भी सकते हैं आप कि सरकारी मौला का एनत को बोलने का मौका मिला था सामने लोगों के कि लोग बैठ जाओ उनके सामने बोलें तो पहले अली बोले हैं सामने से तो उनके बोले हुए मजमू का नाम बलागा हो गया मगर दूसरे अली को सामने इस तरीके से बोलने का मौका नहीं मिला क्यों बोल सकें इस तरीके से तो आपने अपना रुख अल्लाह की तरफ किया है और जो बोले हैं लब लहजा दुआ का है मगर अली की जबान से निकले हुआ जो है बलागा है उस दौर का शहीफ़ सजादिया पढ़िएगा तो अपनी बलागत के अतबार से इस दौर का दूसरा नहजुलबलागा और अहिल बैठ को उसने पहचानवाया है अली नहजुलबलागा में कहें कि आल मोहम्मद पर किसी का कयास नहीं किया जा सकता है ऐसे ही हर दो आया जुमले के बाद फसल अला महमदिन मोहम्मद के किसी का अहल वैत पर कयास नहीं किया जा सकता है। और इनके बगैर कोई चीज़ मुकम्मल हो भी नहीं सकती है ये बताना और ये पहचानवाना कि यकीनन वलायत के बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती है वलायत अहल बैत बहरहाल तुम्हारे गर्दन में होनी चाहिए है उसका कलादा होना चाहिए है और तुम्हें उस दायरे में जो वलायत का है रहना चाहिए सरकार हजरत जैन उलिया मकाम जैनब कुब्रा सलाम्ल् ने करबला के बाद से क्या है? आ, बैठी हैं नहीं मदीने आकर के मदीने बैठी नहीं हैं मुसलसल आप इधर से उधर जाते रहें और आज तक मिस्र में भी उनके नाम से जगह मौजूद है वहाँ भी जनाब जैनब के नाम से बल्कि एक बड़ी कौम मौजूद है जिन्हें बोहरा कहा था वो यही मानते हैं जनाब जैनब की कब्र जो है मिस्र ही में है मिस्र में मानते हैं और बहरहाल यहाँ आपके शाम में भी हम तस्लिम करते हैं कि वहाँ है और इसके अलावा कहाँ कहाँ गई हैं लेकिन जरा सा एक लम्हे के लिए जनाब जैनब कुबरा सलाम्ल के उस जुमले को सुनिएगा जो यजीद की आंखों में आँखें डाल करके ये बात कही थी किद कि यजीद जितना तुम्हें करना जो कुछ करना वो कर ले जितनी तुम अपनी ताकत लगाना चाहते हो ताकत लगा लो मगर क्या ला तमहो जिक्र नाम तुम हमारे धिक्र को मिटा नहीं सकते और न हमारी वही को ख़त्म कर सकते हो लातम हो दिका खुदा की कसम कितना एतबार है कितना एतबार है अली की बेटी को कि तुम मुकम्मल एक हुकूमत होते हुए तुम जाओ कि मिटा दो तो ऐसा नहीं हो सकता वरना वो अपनी हुकूमत कायम करके अपनी ही विलायत पूरी दुनिया पर जो है साबित करना था और साबित कर रहे थे कि नहीं यही विलायत जहाँ हम वली हैं बस वही वलायत और फातिमा जनाब हजरत मौलाए कायन की बेटी जैनब कुबरा बताना जिन् नहीं हमारी वलायत को हमारे जिक्र को तो मिटा नहीं सकते हो आज सर बताए मैं तो कहता हूँ कि मिटा ही नहीं सकते हो बस जुमला ये कहूँगा जीजो ये भी याद रखिएगा कि जनाब जैनब कुबरा जो है अपनी जिंदगी के आखिरी मराहल में शाम गई हैं उसके वजूहत अलग हैं गई हैं मैं तो खाली इतनी बात कहूँ जनाब जैनब ने शाम का इंतखब किया इसलिए ताकि अपनी इस कही हुई बात को साबित कर सकें कि इसी जमीन शाम पर इसी सरजमीन शाम पर मैं आखिरी सांस ले करके अपने मज़ार के मीनारे को इतना बुलंद कराऊँगी करा दूंगी कि दुनिया कहेगी दुनिया कहेगी कि अगर इज्जत चाहनी हो तो इस दरवाज़े पर आ जाओ यानी मैं अपने ज़िक्र को इसी सरजमीन शाम पर बाकी रख के बताऊंगी कि तुम मिट जाओगे मगर हमारा जिक्र मिटता है मिटने नहीं नहीं पाएगा तुम मिट सकते हो मगर हमारा जिक्र नहीं मिट सकता है लाता मुहित करना हमारा जिक्र तुम तो मिटा नहीं सकते वरना जहाँ ला करके कैद करके इतनी मुसीबतों में रखा गया वहाँ से उम्मीद की जा सकती थी कि खुद कैद करने वाले का कुछ भी बाकी न रह जाए कैद होने वाले का आज भी मज़ार कितनी दूर से चमक रहा होता है और लोग सर झुका करके जा रहे होते हैं वहाँ जा के अपने सर को जमीन पे रख करके अपने शरफ को दोबारा हासिल करते हैं जनाब जैनब जो बाट है इज्जत बांट रही हैं इज्जत बांट रही हैं और जो अपने ख्याल में समझ रहा था कि हमने इनको बेइज़्ज़त किया है वो कितना जलील हो गया है जनाब जैनब यही कह रही हैं लातम हो दिक्र नाम किद का जितनी सही कोशिश कर सकते हो कर लो और जितनी भी तुम मेहनत करना चाहते हो मेहनत कर लो मगर याद रखो कि हमारे जिक्र को तुम कभी और हरगिज़ हरगिज़ मिटा नहीं सकते हो और नहीं मिटाए आज का दिन हकीकी मानों में जो है जनाब जनेब कुब्राही के जिक्र का है और जिक्र का है मैं तो कहूँ कह सकता हूँ और हकीकत में जो सामने दिखाई दे रही है हम कह सकते हैं कि सरकारें से दुशहदा असर आशूर तक आपकी मेहनत रही मगर असर आशूर से ले कर के मुसलसल जो मेहनत रही है वो जनाब जैनबरा की और जनाब जैनबरा के बाद मुसलसल जो मेहनत रही है वक्त के इमाम हजरत सैद सजाद सलाम की कि ज़िक्र को किस तरीके से जिंदा रखा है बल्कि मशहूर है कि सैद सजाद ने एक बात कही थी सैद सजाद ने एक बात भी कही थी कि जिस तरीके से गदीर को भुला दिया गया मैं जिक्र करबला को भुलाने नहीं दूंगा अड़तीस साल तक अड़तीस साल तक वज़ू के पानी पर रोते रहें बाबा के मसाइब को याद करके रोते रहें सिर्फ इसलिए कि लोग गदीर की तरह से भुला ना दें मैं उस वलायत के सिलसिले में चंद जुमले जो न वादा किया था उसको सुना दूँ आप उसको सुन लीजिए कि वलायत अहल बैत वलायत अली के बग़ैर जो है असल में इंसान दीन नहीं पा सकता है उसके लिए मैंने उसी जीारत अमीन से दो तीन जुमले नकल किए हैं कि उस जीारत का जुमला यह है कि अशहदिया अमीरमुमन शाहमासूल ए आमिर जो कोई मैं ये गवाही देता हूं कि जो कोई भी आपकी कोई शक करता है तो असल में आपकी जात में शक करने वाला रसूल ही पर ईमान नहीं लाया एक बात कहा और उसके बाद यह कहते अनल आदिल बेका गई रख और जो आपको छोड़ के दूसरी की तरफ चला गया उस तरफ अपना रुख कर लिया आन दुन अन दीन कवीम जिस शख्स ने आप में शक किया वो रसूल पर ईमान नहीं लाया और उसी के साथ जिसने आपसे दुश्मनी की आपसे दुश्मनी नहीं है दीन कवी मोहकम मजबूत दीन का वो मुखालिफ हो गया और कौन सा दीन अब उस दीन का मुखालिफ हो गया अल्लादी रतज़ा रब्बल आलमीन वो दीन जिस दीन से परवरदिगार आलम हमारे लिए राजी हुआ था वह अकमल हुए और वो वाला दीन जिस दीन जिस को अल्लाह ने मुकम्मल किया आपकी विलायत से तो जो आपका दुश्मन होगा तो उस दीन का दुश्मन हो जाएगा जिस दीन को अल्लाह ने आपकी विलायत के जरिए मुकम्मल किया था और उसी के साथ साथ आ ये जुमला सुनिए कि उसमें ज़्यादात में जुमला है कि वह अशहदा बजीज़ रहीम और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक क़ुरान में जो ये कौल है कि किन्हादराती मुस्तीम कि यकीन यही मेरा सीधा रास्ता है पर तब ऊ हो इस सीधे रास्ते की इतबा करो वाला तब उसबुल और दूसरे रास्तों की इतबा न करो तफर कुम सबी अगर दूसरे रास्ते चले जाओगे और दूसरे रास्तों में तो अल्लाह के रास्ते से मुनहरफ हो जाओगे तो इस आयत के इस आयत के ए अली आप ही माना है जो अल्लाह ये कह रहा है कि नहाजा मुस्तकीमा यही मेरा सीधा रास्ता है यही मेरा सीधा रास्ता है इसलिए कि रसूल अपनी हयात में कह रहे थे कि मैं अल्लाह का सीधा रास्ता हूँ और मेरे बाद जो है मैं नहीं रह गया तो रास्ता ख़त्म होने वाला नहीं रास्ते के तसलसल का नाम अली है और इसी की गवाही हम इस गदीर की ज्यारत में देते हैं कि अल्लाह ने जो कहा कि मेरा सीधा रास्ता ये है इसके माना आप हैं मौलाए कायनात कि आपके वजूद पर दीन को मुकम्मल करके अल्लाह के ही कहना चाहता है कि अली मेरा सीधा रास्ता है और इसी के साथ साथ ये भी जुमला उसमें गौर कीजिएगा मन तब कसम है अल्लाह व अरबी में उस कसम का सबसे बड़ी अरे कसम होती है वाव के जरिए से ते के जरिए से बे के जरिए जो कसम खाई जाती है ये शर्क कसम होती है वल्ला बिल्ला तल्ला। तो यहाँ वल्ला के ज़रिए से कसम है कि वदल्मा तब इस कसम है आलम की वो गुमराह हो गया और दूसरों को भी गुमराह किया जिसने आप को छोड़ करके किसी और की इतबा की वो गुमराह है गुमराह हो गया दूसरे को गुमराह भी किया वह अनदा अनिल दुश्मन हो जाएगा हक़ का जिसने आपको छोड़ दिया है मन आदा का जिसने आपसे दुश्मनी की हुई और लेकिन अपने बारे में ये फौरन ये दुआ कि अल्लाह मसम अना यानी ये अकरार फर्दगार हमने तो सुन लिया हमने सुन लिया अम्र का ले अम्र का तेरे हुक्म को हमने सुना है वह आता और हमने एत की बतबाना और इतबा की सिरात कल मुस्तकीम तेरे सीधे रास्ते की है हमें फ़ख्र है कि हम उस सिरात मुस्तकीम की हम पैरवी कर रहे हैं और उस सिरात मुस्तकीम को बताने वाले करबला के बाद से दो ही जात दिखाई दे रही हैं करबला के बाद से एक सेद हैं दूसरे जैनब कुबरा सलामैन कि जो इस रास्ते को बताती रही हैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस रास्ते को बताती रही हैं मगर खाली जिक्र इतना कर देना नहीं मगर सोचें कि मौला हुसैन आपकी प्यास असर आशूर को ख़त्म हो गई मगर मौला उस असर आशूर के बाद आपकी चार साल बेटी सकीना प्यासी रही हैं सीधे सज्जाद प्यासे रहे हैं सैद सज्जाद की गोद में हमारे पाँचवें महम्मद सलाम थे प्यासे रहे हैं यानी ये लोग कब तक प्यासे रहे हम नहीं बता सकते हैं उन प्यास के आलम में किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ कैसे ले जाए गए हैं ये चंद जुमले मैं कहूँगा अल्लाह आपको किसी गम में नरोलाए से व्याएम सैदुरा तो सलाम सुगा इन शब भी फिर अक, अकेले में इस इन मसाहब को सोचिएगा तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे कि किन किन मसाइब से और कैसे कैसे मसाइब से गुज़रे हैं मैंने एक दिन जिक्र किया था मसाइब के ज़िम ने थोड़ा सा उसी को के इशारतान कहता हुआ आगे बढ़ूँ कि दुश्मनों ने असीरों को असीर किया है यानी जो शैदानियाँ उन्हें असीर किया जो बच्चे हैं उन्हें असीर किया असर करके ले करके जा रहे हैं आप एक लमहे के लिए सोचें कि कहाँ करबला कहाँ कोफा कहाँ कोफे से ले करके शाम असारत में जा रहे हों और उसी लम्हे में ये सोचते जाइए कि कोफा वो जगह हैं कि जहां जनाबे है कि जहाँ जनाब जैनब बड़ी हुई हैं किसी हद वहाँ पर बाबा की हुकूमत रही है और जब वहाँ पहुँची हैं जनाब जैनब तो बाजार कोफा में भीड़ भी थी तमाशाइयों तो के तो खाली जनाब जैनब कुबरा ने एक पैगाम कहलवाया था कि हमें इस रास्ते से न ले जा के इस रास्ते से ले जाया जाए जैनब वहाँ की शहजादी रही हैं हमें इस रास्ते से न ले जाया जाए इधर नामहरमों का मजमा ज़्यादा है इस रास्ते से ले जाया जाए लेकिन पता है जवाब क्या दिया गया खुदा की कसम जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर के क्या जैनब आदमी अपने को कोफे की शहज़ादी समझती है तो उनका हुक्म चलेगा कि हमें इधर से ले जाओ इधर से ले करके ना जाए एक लम्हे के लिए सोचे मैं एक जुमला कहूँगा हो जो तारीख़ का है कि जनाब ज़ैनब जब तक कोफे में बाबा के साथ में रही हैं तो जनाब जैनब को अजीब जब भी चाहता था कि मदीना नाना की जारत के लिए जाना है बाबा से जिक्र करती थी और तारीख़ का ये मुतफ़ा फ़ैसला है कि मौला अपनी इस बेटी की इस ख़्वाहिश को कभी टालते नहीं थे कि नाना के रोज़े पे जाना है जल्दी है तमाम करते थे इंज़ाम करते थे और ज़ैनब को ले करके के आते थे कब्र रसूल पर और उस सिलसिले मैंने ख़ुद तारीख़ में ही पढ़ा कि जब मौलाए कायन मदीने ले करके आते थे तो बिल्कुल वैसे जैसे रसूलुल्लाह मैदान मुबाला में गए थे वैसे आते थे जब क़ब्र रसूल करीब आती थी रोज़ रसूल करीब आता था अली आगे हो जाते अपने पीछे ज़ैनब को कर लेते और ज़ैनब के पीछे हसनैन को कर लेते इस तरीक़े से चलते थे मगर इमाम हसन मुशतबा बयान करते हैं कि जब मेरे बाबा देख लेते करीब आ गया रोज़ रसूल तो जल्दी से कदम बढ़ा करके आप चले जाते शाम का वक्त होता था उसमें जो कंदीलें जल रही होती थी जल्दी से उसे बुझा दिया करते थे मैंने एक दिन बाबा से पूछा बाबा आप बढ़ करके के कंदीलें क्यों बुझा देते हैं तो एक मरतबा अली ने कहा बेटा ये अली को पसंद नहीं है कि अंदर कोई ज़ायर मौजूद हो और उसकी नज़र कद जैनब पे पड़े अली को पसंद नहीं है किसी नामहरम की नज़र कद जैनब पड़े इसलिए मैं जाकर करके कंदेलें बुझा देता हूँ अब एक लम्हे के लिए सोचिएगा जो जैनब कोफे में रहते हुए बाबा के इस अमल को देखे हों कि बाबा रोज़ रसूल में भी मेरे कद के भी इतना अहतराम कि किसी ना महरम की नजर न पड़ने पाए आप तारीख कर देते थे चिराग बुझा दिया करते थे अगर कोफे में पहुंच करके जैनब ने कहा हो कि हमें इस रास्ते से ले जाया जाए और एकदम से मना कर दिया जाए कि अब आप शहजाद नहीं है अली की बेटी के कलेजे पर क्या असर हुआ होगा आदमी तो रोएगा करेगा, लेकिन उन मराहिल से गुजरने के बाद आज सिर्फ एक ही वाक्य को मैं पेश करूंगा। और रोने के लिए बहुत काफी है कि आप सोचें कि इनको काफिले वालों को कैद करके लेके जाया जा रहा है जगह जगह पर बैठाया भी जा रहा है मगर जो भूखे हैं और प्यासे हैं उनके सहाय का इंतजाम नहीं होता ख़ुद वो वालम अपने लिए साय का इंतज़ाम कर लेते जहाँ ठहरते ख़ैमे लगा दिए जाते और उसमें सारे सिपाही बैठ जाते और अली और नबी की बेटियाँ बिल्कुल वैसे ही धूप में खड़ी रहती या बैठ जाती एक जगह लश्कर को रोका गया अजीज़ों मेरा दिल जो है पता नहीं किस कैफियत को रात सुनेगा और मैं समझूंगा कि इंशाल्लाह जब तक याद रहेगा और जब भी याद आ जाएगा आपका दिल रोएगा एक जगह रोका गया काफिले को यजीदियों ने अपने लिए खेमे लगा लिए सारे के सारे वहाँ जाके बैठ गए हैं और ये यतीम ये असीर, ये भूखे प्यासे बच्चे इन सब को धूप में खड़ा कर दिया गया एक मरतबा जनाब हजरत सैद सज्जाद देखा कि जो ख़ैमा लगा है उनका उसका साया पड़ रहा है और अच्छा खासा साया है लिहाजा आप अपने जंजीरों को संभाले हुए उस साय तरफ की तरफ़ बढ़े जंजीरों की आवाज़ ख़ैमे में चली गई शिमर ने एक मरतबा एक सफाई से कहा देखो कोई क्या क़ैदी इधर आ रहा है उसने बाहर आकर के देखा तो क्या देखा सीधे सज्जाद अपनी बेड़ियों को संभाले हुए और अपने जंजीरों को संभाले हुए उधर जा रहे हैं उसने जाके कहा कि कहा हाँ क़ैदी खैमे के साय में बैठना चाहता है जैसे ही शिमर ने यह सुना जल्दी से क्या ना कर दो कि साय में बैठने की इजाजत नहीं है सय में नहीं बैठ सकते हैं अजीज आने अजीजा एक लम्हे के लिए आप सोचें और देखें अपने की निगाह नजर से कि सैद सजा खारदार तो गले में है तोक का गले में डाल देना और उसमें भी कांटे लोहे के लगे रहना उसकी वजह से गर्दन झुकी रहती है और जब कभी अपनी गर्दन उठाना चाहें तो कांटे चुभने लगते हैं सताने लगते हैं कितनी अजियतों में सहीद सजाद हैं जैसे ही मना किया गया है कि साय में बैठने की इजाजत नहीं है सहीद सजाद ने रुख मुड़ा और मोड़ करके वापस आने लगे और इस इस चीज़ को जनाब जैन में कुबरा ने देखा कि मेरा भतीजा साय में जा रहा था और साय से मना कर दिया गया और सहीद सजाद हमारी तरफ आने लगे इतनी देर में जैनब ने सैदानियों से कहा सैदानियाँ खड़ी हो जाओ कांधे से कांधा मिला लो हम हमारे जिस्म का साया पढ़ने लगे थोड़ी देर से देश को साया दे दिया जाए सईद सज्जाद को साया दे दिया जैसे सैदानियाँ खड़ी हो गई जिसम से जिसम ला लिया साया पड़ने लगा जल्दी से बढ़ करके जैनब कुबरा ने सद सजाद के हाथ को पकड़ा मेरे लाल मुझे मालूम है तू तो कितनी अजियत में है मुसीबत में है ले करके आई और कहा मेरे लाल यहाँ बैठ जाओ एक मरतबा निगाह थोड़ी सी उठा के देखा तो क्या देखा माँ और बहने खड़ी हुई है दो तो। में और उनका साया पड़ रहा एक मरतबा का पुपी अम्मा अरे ये कैसे मुमकिन है कि मैं जिस्मों के साय में बैठ जाऊं और माँ और बहने धूप में शायद यही वजह थी कि करबला के बाद अड़तीस साल तक जिंदा रहे सीधे सज्जाद। मगर जब भी करबला याद आ जाए तो आप रोने लगते थे मिनहाल ने खाली यही कह दिया था मौला शहादत शरफ है क्यों रो रहे कहा मिन हाँ मिनहाल शहादत शरफ है मगर क्या माँ और बहनों को धूप में खड़ा कर देना और बाजारों में बेपर दाले जाना ये भी है है अरे मंजर देखा है। कैसे भूल अला अला से लदीन या या तो हमारे इस मुखसर से अमल को कबूल फरमा दे महबूद हमदा ने हाजत उनकी हाजत को पूरा फरमा दें जो फरमा दे। जो मोमिन मरे घरों में अपनी आजादारी बरकतों का नज़ोल फरमा उन में रहने वालों को खुशियाँ नसीब फरमा और इन्हें कभी कोई गम और मोरंजना देना सिवाय हुसैन गमसैैन असराम के परदगारा हम जहरा के ज़हूर के मंतजर जल ज़हूर फरमा और हम सब को उनके आहवान में शिक्रत मातम हुसैन